नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल धर्म संदेश। आपने राजीव दीक्षित ये नाम जरूर सुने होंगे। अगर सुने हैं तो आपको पता होगा कि राजीव दीक्षित जी स्वदेशी आंदोलन का बहुत बड़ा एक चेहरा था, जिन्होंने अपने जीवन काल में रासायनिक खाद के ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने संघर्ष किया था कि भारत में रासायनिक खाद का प्रवेश बिल्कुल भी न हो। लेकिन भारत सरकार और बहुत सारे विदेशी ताकतें, आप समझते हो, इन सब ने हिंदुस्तान में धीरे धीरे रासायनिक खाद को प्रवेश किया। रासायनिक खाद में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या ऐसे नेगेटिव प्रभाव था जो इंसान के शरीर ही नहीं बल्कि हमारा जो जमीन है उसको भी वो खराब कर रहा था। तो उनके विचारों को समर्थन करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप राजीव दीक्षित जी के विचारों का अगर आप समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, आपको समझ में आएगा। और आप इस वीडियो का जरूर आप दूसरों तक शेयर करिए ताकि लोगों को भी उनका जो संघर्ष है वो पता चलेगा। दोस्तों, ये धान का चित्र है। जब धान के खेती करते हैं तो सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तीन भयानक जहरीला केमिकल जमीन में डाल दिया जाता है। फिर वो केमिकल डालने के बाद जमीन को उर्वरा शक्ति से युक्त बना देता है, एक तरह का आर्टिफिशियल उर्वरा शक्ति वो पैदा करता है। उसके बाद वहाँ धान के रोपाई की जाती है, धान की खेती की जाती है और बाद में जब थोड़ा सा जब बड़ा होने लगे तो वहाँ DAP और यूरिया, ये भी बहुत बड़ा जहर है, इसको वहाँ डाल दिया जाता है ताकि इसको डालने के बाद नेचुरल तरीका से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीका से वो जो धान है वो ग्रोथ करेगा। उसके बाद कोई कीड़ा ना पड़े इसके लिए कीटनाशक, और उसके आसपास में खरपतवार न रहे इसके लिए राउंडअप, इसको डाल करके वह जो धान है उसको उसका निर्माण किया जाता था, नेचुरल तरीका से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीका से। और यह जो धान है यह शरीर के लिए हितकर नहीं है। अब किसान क्या करते, इस धान को सुरक्षित रखने के लिए जिस डिब्बे में इस धान को स्टोर करती है वहां पर एक भयानक केमिकल, एक भयानक जहर जिसको सल्फर बोला जाता है, वो जो सल्फर है वो वहां पर डाल करके उसको रखता है। आप जानते हो कितना बड़ा जहर है, यानी उस धान में अब जहरी जहर पड़ा हुआ है। अब राजीव दीक्षित जी एक मैप बनाते हैं, तो इसको आप जरा जरा ध्यान से देखो। इस मक्की को आप जरा देखो, यह जो मक्की है ये इन्होंने रासायनिक खाद डाल के बनाया। देखिए कितना बड़ा है, दिखने में कितना अच्छा लगता है, इसके अंदर के बीज बहुत मोटे मोटे हैं। और अब इसको देखिए, इसमें किसी भी तरह का कोई खाद नहीं है, डाला ही नहीं गया कुछ भी। इसके बीज को जरा आप, इसके साइज को जरा आप देखिए कितना छोटा है। इसके छोटे होने और इसके बड़े होने के पीछे का जो कहानी, जो हिस्ट्री है, जो सिद्धांत है रासायनिक खाद का, उसको मैं इस मैप के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये जो धान है इसमें चार परत होता है। सबसे बाहरी परत को हम भूसी बोलते हैं, आप देखते हो ये भूसी थोड़ा खुरदरा सा होता है, भूसी। दूसरी परत, भूसी को निकलने के बाद थोड़ा पीला पीला सा होता है, इसको चोकर बोलते हैं। यह जो चोकर है वो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे मिनरल्स इस दूसरे परत में, भूसी को निकलने के बाद सबसे बाहरी जो परत है उसमें रहता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इस परत के अंदर तीसरा परत, इस परत को ग्रेन या भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब नया बीज रोपण करना होता है धान का या मक्की का या गेहूं का, सभी अन्न का यही चार प्रोसेस होता है, ये चार परत होते हैं। जब नया जब बीज रोपण करना होता है तो उस बीज, वो जो बीज है वो यहां से तीसरे परत से उसका वो अंकुरित होता है, यहां से होता है, यहां से नहीं होता, यहां से भी नहीं होता, ये तीसरे परत से वो अंकुरित होता है, इसीलिए इसको भ्रूण बोला जाता है। इसके अंदर दोस्तों विटामिन, प्रोटीन और विशेष अमीनो एसिड होता है। ये अमीनो एसिड या विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम और बहुत सारे जो मिनरल्स है उन सभी का एक ही काम है,
ये चौथे नंबर वाला जो परत जिसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होता है इसको डाइजेस्ट करना। समझ में आ रहा है? ये चौथे परत का नाम है एंडोस्पर्म। ये एकदम कफकारक होता है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और स्टार्च होता है, जो डायरेक्टली अगर इसी चीज को शरीर में डाल दिया जाए तो इंसान बहुत जल्दी रोगग्रस्त होता है, क्योंकि इसको पचाना, इसको डाइजेस्ट करना, कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को डाइजेस्ट करना बहुत कठिन होता है शरीर के लिए। अब दूसरी तरह से यह जो चीज है, जिस तरह से हमने जो फर्टिलाइजर की बात किया था, जो रासायनिक खाद है, वो खाद इसमें क्या परिवर्तन करता होगा? धान के साइज बढ़ेगा, गेहूं या मक्की या बाजरा के साइज बढ़ेगा, वो साइज में पहला, दूसरा और तीसरे नंबर का जो चीज है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बढ़ते हुए अन्न और अनाज के साइज में बस ये चौथे नंबर वाला जो एंडोस्पर्म है इसी का ही वो साइज को बढ़ाता है। इसीलिए भी जो रासायनिक खाद है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये जो चौथे नंबर का जो एंडोस्पर्म है इंसान के लिए उपयोगी बिल्कुल नहीं है, ये बहुत कम होना चाहिए। साइज को बढ़ने और कम होने में बस ये जो एंडोस्पर्म है इसी का ही काम होता है। तो हमेशा अन्न और जो जितने भी जो अन्न है, चाहे वो गेहूं हो, मक्की हो, बाजरा हो, धान हो या चावल हो, प्रयास तो ये होना चाहिए था कि जो एंडोस्पर्म है उसके साइज कम हो, लेकिन रासायनिक खाद के प्रोसेस के माध्यम से इसके साइज को बढ़ाया जाता है। जितना जितना ये साइज बढ़ेगा उतना उतना ये चोकर और ग्रेन इसके डाइजेस्ट करने में असफल होंगे। बहुत कम एंडोस्पर्म होगा तो ही ये यहाँ जो नेचुरल तरीका से जो रखा हुआ है भगवान ने, चोकर के दूसरे परत का चोकर, तीसरे परत का ग्रेन, ये इसी को डाइजेस्ट करता है। अब यहाँ हमने एक आर्टिफिशियल तरीका से इसके मात्रा को तो नहीं बढ़ाया लेकिन इसको बढ़ा दिया, तो फलस्वरूप क्या होगा, अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई ऐसा चीज इसी इस अन्न में नहीं है। हमें लगा कि चलो इसके साइज को बढ़ा देंगे ताकि वजन में ज्यादा होगा, हमें मुनाफा होगा, लेकिन शरीर को ये नुकसान कर रहा था। राजीव दीक्षित जी इस परिस्थिति को, इस भाव को बखूबी समझते थे, इसीलिए उन्होंने इस चीज को नुकसानदायक बता करके वो जीवन पर्यंत रासायनिक खाद का विरोध करते रहे। तो रासायनिक खाद डायरेक्टली हमारे जमीन को नुकसान कर रहा था, उसके उर्वरा शक्ति को दिन प्रतिदिन कमजोर कर रहा था, और इनडायरेक्टली रूप से जो अन्न है उसके अंदर जब वो बढ़ेगा तो ये जो एंडोस्पर्म ही बढ़ रहा था, तो इसको खाने से फिर लोग बीमार हो रहे थे। इसीलिए डॉक्टर अक्सर बोलते हैं ना कि भाई चावल मत खाओ क्योंकि डायबिटीज बढ़ेगा। भाई डायबिटीज तो बढ़ेगा ना, क्योंकि आपके जो चावल है वो तो रासायनिक खाद के प्रयोग करके बना हुआ है, ये जैविक खाद वाला तो है ही नहीं। ये जो चावल हो, ये जो मक्की हो, ये जो बाजरा हो, ये नेचुरल तरीका से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीका से उगाया गया था। इसमें एंडोस्पर्म ज्यादा है, इसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, इसको पचाने के लिए ताकत अब शरीर में नहीं है, इस अनाज में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसी के वजह से आप रोगग्रस्त हो। कि यह जो इसकी जो साइंटिफिक जो रीजन है, जो राजीव दीक्षित ने हमें, आप और हम सबको दिया था, ये सबको समझना चाहिए, किसान को भी समझना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए कि जैविक खाद ही हमारे अनाज को सुरक्षित रूप से, यह जो एंडोस्पर्म है उसको लिमिटेड रूप से इस अन्न को यहाँ पर रखेगा। ये जितना कम होगा उतना इसको खाने से शरीर को कम नुकसान होगा, या कहे कि ये जो धान को, इस चावल को, भात को खाने से हम तभी सुरक्षित रहेंगे इसको खाने से, जब ये जो एंडोस्पर्म उस धान में कम होगा। अब दूसरी बात ये है, सत्यानाश तो उस मशीन ने कर दिया जो इस धान को पीसता है। दोस्तों धान को हम डालते हैं ना मशीन में डाल करके पीसते हैं, तो पहले पहले तो होता था इसको कूटने वाला जो कि बाहर के भूसी को निकालता था, और उस वक्त पीला पीला, इसीलिए कहते थे कि भाई हमारा जो खेत है वो सोना को उगाता है ना, इस देश के धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो सोना उगने वाली बात यही है। ये जो चावल है उसी को सोना हम बोलते थे, या कोई भी अन्ना उसके दूसरे परत जो चौकर है वो सोना, गोल्ड
बिल्कुल पीला होता है, तो इसी को वो सोना बोला जाता था, लेकिन इसको नहीं, बल्कि जो वो आज जो बड़े बड़े जो मशीन है, भूसी को भी निकाल रहा है, इस दूसरे परत के चोकर को भी निकल रहा है, तीसरे के भी आधा ग्रेन को भी बहुत हद तक वो निकाल के बाहर फेंक देता है, आपको और हमारे लिए खाने योग्य सिर्फ एंडोस्पर्म ही दे रहा है। तो उस मशीन ने और ज्यादा नुकसान कर दिया हमारे लिए, और ज्यादा सत्यानाश कर दिया। ठीक है, पहले पहले इसको कूट करके इसके बाहर के भूसी को, छिलका को निकाला जाता था। तो अभी भी अगर आप उंगली से धान के छिलका को निकालोगे नाखून से, तो देखना चावल के बाहर की जो परत है, अंदर का जो परत है, पीला पीला कलर आपको नजर आएगा। और जो मशीन से आए हुआ जो चावल, उसको आप देखिए, वो पीलापन उसमें बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि वो बाहर के भूसी पहला दूसरा और तीसरे के कुछ हद तक जो भाग है वो निकाल के बाहर फेंक देता है। चोकर तो आजकल जानवर को देते, लोग कहते भाई इंसान के योग्य है ही नहीं, तो ऐसे उल्टी दुनिया तो दुनिया में फैला हुआ है बातें, क्योंकि चोकर में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे मिनरल्स है, लेकिन ये चोकर भी खाना इंसान नहीं चाहता। तो यही राजीव दीक्षित जी का विचार है, आप कितना समर्थन करते हो ये आप जानो, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा इसको आप फैला लो, लोगों को आप शेयर करिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में लिख लीजिएगा, आने वाले समय में इसी तरह के और भी वीडियो बना करके हम डालेंगे। आज दीजिए विदा, जय श्री राम।